So student, we have just learned about direct variation. In direct variation, what we have learned that two quantities increase or decrease together and the ratio is constant. Means one is increasing, other is increasing, one is decreasing and another is decreasing. So ek flow ban gaya, increase, increase, decrease and decrease. Aur humne conclusion kya diya? Ki unka ratio jo hai, that will remain constant. Main yahan par uski table isliye bana rahi hu ki inverse ke liye hum comparison kar sake. वही हमने लिया क्वांटिटीज ले ली. लेट्स से नंबर ऑफ पेन से कॉस्ट ऑफ पेन है. वन पेन की कॉस्ट 10 रुपीज़ है. टू पेन की कॉस्ट ऑब्वियस 20 हो जाएगी. थ्री की 30 एंड फोर की 40. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल टू कंपेयर इनवर्स वेरिएशन. नाउ सबसे पहले इनवर्स वेरिएशन में हम इनवर्स का मीनिंग देखते हैं. इनवर्स मीन्स वॉट? जस्ट ऑपोजिट, राइट? सो जो भी डायरेक्ट में हमने पढ़ा उसका जस्ट ऑपोजिट. अभी मैं आपको डेफिनेशन नहीं बताती, बट लेट्स से इसका ऑपोजिट मुझे करना है. तो यहाँ पर हमने क्या किया? रेशियो ए अपॉन बी एंड विच इज कॉन्स्टेंट. इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होगा? ए इंटू बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. मीन्स इन द इनवर्स वेरिएशन टू क्वांटिटीज अरेंज इन सच अ वे देन द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू क्वांटिटीज रिमेन्स कॉन्स्टेंट. अभी तो आपको पढ़ने में अजीब सा लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है. इसका अब हम एग्जाम्पल लेते हैं. इन द प्रीवियस एग्जाम्पल फॉर डायरेक्ट वेरिएशन व्हाट आई हैव टेकन? डिस्टेंस आपका 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, जो भी आपका होम टू स्कूल का डिस्टेंस है. हमने कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल देखा कि कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल डिस्टेंस के हिसाब से इंक्रीज होता जा रहा था, ठीक है? अब हम कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल को साइड में रख देते हैं. अब हम टाइम और स्पीड की बात कर लेते हैं. Distance from home to school, ठीक है? एक कुछ भी क्वांटिटी फिक्स कर दी, लेट से 3 किलोमीटर. अब आपका फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, जो आपका फिक्स हो गया. और आई कैन से दिस इज कॉन्स्टेंट, क्योंकि फिक्स है सो इट इज कॉन्स्टेंट. अब जो भी मैं एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर रही हूँ वो 3 लेके ही कर रही हूँ. 3 इज नॉट चेंजिंग, मीन्स डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग. सो डिस्टेंस इज वॉट? कॉन्स्टेंट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अब मुझे स्पीड और टाइम को अरेंज करना है. लेट से मैं 3, स्पीड आपकी होती है किलोमीटर पर आवर एंड टाइम का यूनिट है यहाँ पर आर, ठीक है? 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम मूव कर रहे हैं. तो यहाँ पर 3 लाने के लिए टाइम कितना लगा आपको? 1 आवर. तब ही आपका आंसर क्या आएगा? 3 एंड विच इज कॉन्स्टेंट. फाइन. अब 3 से मैंने स्पीड जो है वो इंक्रीज कर दी, डबल कर दी. 6. अच्छा स्टूडेंट, यूनिट मैंने यहां लिख दी तो अब मैं यहां पर नहीं लिख रही हूं. नाउ आई हैव इंक्रीज द स्पीड ऑफ द व्हीकल विच इज 6 किलोमीटर पर आवर. सो टाइम कितना हो जाएगा? यस, हाफ. तब ही आपका आंसर 3 आएगा, नहीं तो आप कैसे मैच करेंगे 3 किलोमीटर को, ठीक है? तो आपने स्पीड इंक्रीज करी सो टाइम टेकन इज डिक्रीजिंग, राइट? आप देखिए, आपने स्पीड अगेन 9 कर दी सो यहां पर आपका टाइम जो हो जाएगा 1/3. देन ओनली यू विल कवर 3 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है? अब और इसी का एग्जाम्पल ले लें. आपने क्या करा? स्पीड को कुछ और कर दीजिए. लेट से आपने 12 कर दिया तो टाइम है आपका 1/4, मीन्स आपको 1/4 आवर लगेगा, मीन्स 15 मिनट्स ही लगेंगे बिकॉज यू हैव इंक्रीज द स्पीड सो मच, ठीक है? 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जा रहे हैं तो टाइम आपका बहुत कम हो गया एंड डिस्टेंस तो आपने सारे केसेस में 1 ही कवर किया. सो यहाँ पर आपने क्या नोटिस किया? एज स्पीड इज इंक्रीजिंग टाइम टेकन इज डिक्रीजिंग. पहले 1 आवर लगा, देन हाफ आवर लगा, एक केस में 1/3 लगा और एक केस में 1/4, मीन्स 15 मिनट्स लगे क्योंकि 60 मिनट्स का पूरा 1 आवर होता है. 1/4 कर दिया मीन्स उसका हमारा टाइम कम हो गया. तो क्लियरली दिख रहा है कि ये इंक्रीज हुआ तो ये डिक्रीज हुआ, ठीक है? तो इनवर्स हो गया, जस्ट ऑपोजिट का केस हो गया, राइट? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देन आई विल टेल यू द डेफिनेशन ऑफ द इनवर्स वेरिएशन. एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देन आई विल टेल यू द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स वेरिएशन.
हमने अभी फोर मेंबर की बात करी कि लेट से हमारे घर में फोर मेंबर्स हैं, वहाँ पर तो हमने शुगर कंजम्पशन की बात करी थी, चपाती कंजम्पशन की बात करी थी. अब हम वही फोर मेंबर लेते हैं और लेट से हम घर का कोई एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, कोई वर्क डन कर रहे हैं. हम फोर मेंबर्स हैं और घर का पूरा काम करने के बाद हमें एक घंटा लगता है, ठीक है, वो प्रॉपरली अरेंज करना. उसमें लेट से आयरनिंग भी आ गई, आपकी टेबल अरेंज हो गई, बैग आपने पैक कर लिया, एंड रूटीन वर्क है, एंड यू आर टेकिंग वन आवर. When you four are working together and to arrange home, you are taking one hour. Let's say two member हमने कम कर दिए, तो आपको टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा, because earlier you were four and you are arranging your home and you are taking one hour. Now members are decrease. तो जब कम मेंबर हो गए तो आपको और ज़्यादा काम करना पड़ेगा घर अरेंज करने के लिए. सो यू विल टेक मोर टाइम, लेट्स से टू आवर, थ्री आवर, जो भी. तो जैसे मैन पावर कम हुई, आपको काम ज़्यादा करना पड़ा, राइट? अब इसी एग्जांपल का अपोजिट कर देते हैं. लेट्स से यू आर हैविंग एट मेंबर्स. सो अब आप जो वन आवर में आपका होम अरेंज कर रहे थे, वो आपको और कम टाइम में हो जाएगा. Why? Because members are increasing. तो सब थोड़ा 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 काम करेंगे and सारे मिल के जो काम करेंगे तो टाइम आपका बहुत कम हो जाएगा, राइट? मीन्स मेंबर आर इंक्रीजिंग, सो वॉट एवर यू आर डूइंग वर्क वो आपका कम हो रहा है, ठीक है? एंड मेंबर्स आर डिक्रीजिंग, सो वॉट एवर टाइम यू आर टेकिंग टू प्रिपेयर जो भी चीज़, तो आपका क्या हो रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है? तो वर्क डन, और अगर मेंबर्स की हम बात करें तो नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज होते हैं तो काम जल्दी हो जाता है, नंबर ऑफ मेंबर्स डिक्रीज होते हैं तो काम करने में टाइम लगता है. एक सिंपल सा एग्जांपल, एक मैन एक काम को करने के लिए टू आवर्स ले रहा है, तो टू मैन, तो यहां पर क्या होगा, ज्यादा आएगा कि कम आएगा? एग्जैक्टली कम हो जाएगा, ये टाइम कम लेगा. ये हम एवरेज ले रहे हैं, ये हम एग्जैक्ट नहीं ले रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं कि अगर एक मैन एक काम को करने के लिए टू आवर्स ले रहा है, तो अगर लोग हमने बढ़ा दिए, पर्सन इंक्रीज कर दिया, लेबर इंक्रीज कर दी, तो क्या होगा, टाइम जो है वो कम लगेगा. तो रिवर्स हो रहा है, उल्टा हो रहा है. एंड व्हाट आई सेड, ऑपोजिट, उल्टा इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन, ठीक है? तो अब हम इनवर्स वेरिएशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे. ये थी हमारी डायरेक्ट की, अब हम यहीं पर इनवर्स की टेबल बना लेते हैं, ठीक है? लेट्स से यहाँ पर हमने ले लिया मैन और यहाँ पर ले लिया वर्क डन. टू मैन आर टेकिंग फोर आवर्स टू कंप्लीट अ वर्क, ठीक है? सो फोर मैन विल टेक टू आवर्स, जस्ट ऑपोजिट, ठीक है? इसका जस्ट उल्टा, मैन कम कर दिए हमने तो दे विल टेक मोर टाइम, ठीक है? एक आदमी है तो उसे ज्यादा टाइम लगेगा, चार आदमी है तो उसे कम टाइम लगेगा, दो आदमी थे तो उन्हें चार आवर्स लग रहे थे. अब इसी टेबल को आप ध्यान से देखें तो यहां पर रेशो तो सब मिसमैच है, और ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तो ये भी कुछ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मिक्स ऑर्डर्स में है, ठीक है? बट वन थिंग इज नोटिसेबल, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें इन दोनों क्वांटिटीज को तो क्या आएगा, एट. इन दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें देन ऑल्सो विल गेट इट. इन दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें देन ऑल्सो विल गेट एट. सो द डिफरेंस इज इन डायरेक्ट वेरिएशन द रेशियो विल रिमेन कॉन्स्टेंट. व्हेन वी हैव टू क्वांटिटीज देन रेशियो विल रिमेन कॉन्स्टेंट. इन दिस केस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू क्वांटिटी एंड इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट. So the basic difference between direct and inverse is यहाँ पर हम divide करेंगे and यहाँ पर हम multiply करेंगे, बस इतना फर्क है, but इससे पूरा meaning change है. Like यहाँ पर जो था, वन की cost इतनी तो टू की cost increase हो गई, थ्री की cost increase हो गई, फोर की cost increase हो गई, but यहाँ just opposite हो गया. Men increase हुए तो time कम लगा, men decrease हुए तो time ज्यादा लगा. इन द सेम वे यहां पर हमने स्पीड इंक्रीज कर दी तो टाइम कम हो गया, डिक्रीज हो गया. सो दिस आर द मेन डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन. डायरेक्ट पे बेस्ड एग्जांपल हमने किए, अब आज हम इनवर्स पे बेस्ड एग्जांपल्स करेंगे, राइट? सो फर्स्ट बेसिक एग्जांपल बेस्ड ऑन इनवर्स वेरिएशन. डायरेक्टली आई एम मेकिंग अ टेबल
okay, number of men, number of days required to finish a work. Let's say इसको हमने नाम दे दिया x and this is y, ठीक है? आप थोड़ा अच्छी टेबल बनाएंगे. Now I am filling some entries 2, 12, 4, 6, 6, 4, 12, 2, 24, 1. Let's say मैंने यहाँ पर mention नहीं किया कि this is an example of inverse variation. तब भी आप पता कर सकते हैं कि this is inverse, this is not direct. Why? Because one quantity is increasing, another is decreasing. And what we have learned in direct, one is increasing, तो other is also increasing. तो direct तो ये है ही नहीं, confirm हो गया. Question में mention ही है, but still अगर हमें check करना है, तो we can check also. ठीक है? अब ये मिल गया. अब again, let's say अगर ये direct होता, तो हम क्या करते? हम इनका ratio check करते. 2 upon 12 is equal to 4 upon 6 आना चाहिए था, is equal to 6 upon 4 आना चाहिए था. डायरेक्ट में हम क्या करते थे, a1 upon a2, सॉरी a1 upon b1, a2 upon b2, a3 upon b3, ये जितना भी हम सॉल्व करें एक पर्टिकुलर इनका आंसर आना चाहिए था डिवाइड करने पे. मींस इनको डिवाइड करते, इनको डिवाइड, इनको इनको एंड इनको, एक पर्टिकुलर आंसर आना चाहिए था अगर ये डायरेक्ट होता था, पर ये नहीं है, है ना. दिस इज एग्जांपल ऑफ इनवर्स वेरिएशन. इनवर्स वेरिएशन में क्या करेंगे, हम डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि डिवाइड हम ऑलरेडी डायरेक्ट में कर चुके हैं, उसका जस्ट ऑपोजिट. तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई चेक करेंगे. तो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई एक्स इंटू वाई विच इज इक्वल टू 2 इंटू 12 मीन्स 24. अब हर केस में 24 आना चाहिए वो हम चेक करेंगे. 4 और 6 विल मल्टीप्लाई, सो व्हाट विल गेट, 24. 6 4 जा 24, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24. मीन्स यू कैन क्लियरली राइट x1 इंटू y1 इज ऑल्सो 24, 4 एंड 6. x2 एंड y2 इज ऑल्सो 24, 6 एंड 4 एंड सो ऑन. ठीक है, मीन्स आई कैन क्लियरली राइट इन इनवर्स वेरिएशन टू क्वांटिटीज वेरीज इन दिस वे, देन द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज विल रिमेन अ कॉन्स्टेंट. तो अब हमने जो बोला वो हम फॉर्म में लिख भी सकते हैं, x3 इंटू y3, जितने भी क्वांटिटीज दिए, जरूरी नहीं कि चार दिए हैं, कुछ भी दे सकते हैं, बट इन सब का आंसर क्या आएगा, एक आएगा. लाइक ये क्वेश्चन में कितना आया, 24 आया. तो 24 चेंज नहीं हो रहा है, इनका प्रोडक्ट चेंज नहीं हो रहा है. तो ये तो एक बेसिक सा एग्जांपल था. अब हम एक और टेबल लेते हैं, कुछ इस तरह दी है, ए एंड बी. ए में 8 है, 32, 16, 16, 32, 8 एंड 256 एंड 1. कुछ भी हो सकता है, यहाँ क्वांटिटी मेंशन नहीं करी है कि नंबर ऑफ मेन है कि नंबर ऑफ पेन है कि कॉस्ट है कि क्या है, कुछ भी नहीं पता है. ठीक है, उनने एक नॉर्मल एग्जांपल दिया है एंड यहाँ पर वो चेक करने को बोल रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल ए एंड बी वेरी इनवर्सली. तो यहाँ पर आप चेक करिए कि इनवर्स वेरिएशन है या नहीं है, एंड उसके लिए यू नीड टू फाइंड a into b इज इक्वल टू 8 into 32. आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 256. अब आप सारे केसेस में मल्टीप्लाई करके देखें, a1 into b1, देन अगेन विल गेट 16 into 16 इक्वल टू 256. सबका चेक आप कर लेंगे, मैंने आपको जस्ट एग्जाम्पल बताया. 32 into 8 करेंगे तो भी 256 आएगा, 256 into 1 करेंगे देन यू विल गेट 256. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स वेरिएशन, राइट.